मनीष जसवाल साहब, उनको ये समझना चाहिए कि वो पहले एक विधायक हैं और उनकी जवाबदेही बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हम अच्छा से अच्छा लेकर चलें। अगर लाउड स्पीकर के चलते उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम तो कहेंगे हजारीबाग में क्यों, आप विधानसभा में घुसा दिए लाउड स्पीकर, बजाइए यहाँ पर लाउड स्पीकर, कौन मना किया है? ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए, और जानबूझकर अब तो ये लोग विकास के मुद्दे पर तो ढक गए ये लोग, अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम उत्पात फैलाएं, दंगा फैलाएं और अपना वोट बैंक को एक करें, गोलबंद करें। ये नहीं होने दूंगा। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर का मैं विरोध नहीं करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, रामनवमी गर्व की बात है, मैं भी अखाड़ा खेलता हूँ, आप हमको बुलाइए, मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, ये हम लोगों को ना बुलाकर वहाँ कहेंगे नहीं हम दंगा करवाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों को सुखाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ तमाम आवाम को, आपके तमाम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। आज बताइए, मुकदमा होता है, केस होता है, कौन फंसता है, कौन फंसता है? मनीष जसवाल का कोई बच्चा फंसा है क्या? कभी जेल गया है क्या? इसके बहकावे में आने वाले सब युवा लोग जेल में चला जाता है, आज भी केस लड़ रहा है, खाने को नहीं है लेकिन वकील को पैसा दे रहे हो, थाने में पैसा दे रहे हो। तो बा जाइए और रामनवमी बनेगा, इरफान अंसारी बनाएगा रामनवमी, मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वाले को। और बेवजह नाटक करोगे बर्बाद कर देंगे, भगा देंगे, बर्बाद नहीं सॉरी मतलब समझिए, अगर आपको लाउड स्पीकर बजाने का इतना ही शौक है तो आइए विधानसभा में लाइए ना, अब तो यही बज गया है, तमाशा पे तमाशा, एकदम विधानसभा का स्तर इतना गिरा दिया है भाजपा वाले। अब बताइए, अब पट्टी बांध दे रहा है, अरे भाई आपके विधायक, आपको आपकी सरकार, आपका ना नेता प्रतिपक्ष है, ना आपका कोई सदन में कोई है, आपको बोलने से भाजपा वाले रोक रहा है और आप लोग मुँह पे पट्टी बांध देते हो, खड़ा हो जाते हो, नाटक कर देते हो, इतना स्तर विधायक ने गिरा दिया है सदन का, आने का मन नहीं करता है हमको। मैं कहना चाहता हूँ कम से कम सच दिखाइए आप लोग, और जनता से मैं आग्रह करूँगा ऐसे विधायक को आप लोग चिन्हित कीजिए। जनता बड़का हिंदू वाला है क्या मनीष जी? बहुत बड़ा हितैषी है हिंदू जी, हिंदू का क्या हो? कितना हिंदू को परिवार को लाभ दिलाया बताइए तो जरा। ये मनीष जसवाल ने अपना विद्यालय बना लिया, स्कूल बनाया हजारीबाग में, एक भी मेरा गरीब हिंदू गरीब को एडमिशन नहीं कराया वो, और आज बड़का हिंदू के हितैषी हो गए हैं आप, ये नहीं चलेगा। और हम लोग हैं, मैं आ गया हूँ इरफान से, कल नहीं था, गर्दा उड़ जाएगा फिर। नहीं देखिए, रोक टोक हमारी सरकार ने नहीं लगाया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, अगर आपके पास वर्डिक्ट नहीं है तो मैं सदन में मुहैया करा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ वर्डिक्ट है कि आप लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजा सकते, इससे कई तरह का, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, बच्चे लोग मर गए, हमारे पास प्रूफ है, मैं दूंगा ना, तो जब कोर्ट का आदेश को मानना होगा, हमारी सरकार क्या है? हजारीबाग के लिए है ये? नहीं नहीं, हर जगह के लिए है। देखिए हजारीबाग में हमेशा तनाव हुआ है, दंगे हुए हैं, और दंगे नहीं, हत्यारे को वहाँ पे सम्मानित भी किया गया है, ये हजारीबाग का रिकॉर्ड है। मैं क्या बताऊँ आपको, सेंसिटिव है, सरकार का काम है, हम आपस स्वार्थ को नहीं बिगड़ने दें, सबको लेकर चलें। और मैं फिर से मैं कहूँगा, बीजेपी विधायक से कहना चाहता हूँ, झारखंड आपको नहीं ना भाई, झारखंड में तो तमाम लोग रहते हैं, सभी का सेंटिमेंट का आपको लेके चलना है। और रामनवमी मैं कहना चाहता, बार बार कहना चाहता हूँ, हमें गर्व है हनुमान, राम भक्त हनुमान जी पर, और वो तो आस्था के लोग हैं, और उन पे आप लोग एकदम लगाता है दिखा रहे हैं कि नहीं हम वो करेंगे वो करेंगे। मैं फिर से मैं कहूँगा, रामनवमी सौहार्द के वातावरण में बनाया जाए, और मैं बीजेपी के तमाम विधायकों को निमंत्रण देता हूँ, आइए जामताड़ा, आप देखिए मैं किस तरह से रामनवमी बनाता हूँ, वेलकम करूँगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।